इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करूंगा कि पैन कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है और कौन सी ईमेल आईडी लिंक है, कैसे जानेंगे। कि आपके मन में कभी सवाल उठता है कि हमारे पैन कार्ड से कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है, कौन सी ईमेल आईडी लिंक है, तो आपको कैसे पता करना, तो आज के इस वीडियो में जानेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों प्लीज जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कंप्यूटर स्क्रीन से भी आप काम आसानी से कर सकते हैं। अगर आपके पास मोबाइल स्क्रीन है, मतलब मोबाइल है, तो वहां से भी काम में आसानी से कर सकते हैं। केवल दो मिनट का भी काम नहीं है। कैसे पता करेंगे, अगर आपको रास्ता पता चल जाते तो आपको कोई भी काम बहुत ही आसान हो जाता है। अगर आपको हिंट, अगर बेसिक नहीं पता चलता है तो आपका कोई भी छोटा सा भी छोटा काम है तो बहुत ही कठिन होता है। जैसे आपका आधार कार्ड है, कोई भी चीज है, आधार कार्ड कैसे डाउनलोड करें, तो अगर आपके मन में कोई बेसिक नॉलेज नहीं तो आप ये काम नहीं कर सकते। उसी प्रकार से आपको यहाँ पे काम करना होगा। सिंपल से मैं क्या करना है, यहाँ पे जैसे मैंने NSDL या मैंने जिसे यहाँ पे लिख दिया पैन कार्ड डाउनलोड, ठीक। जैसे मैं पैन कार्ड डाउनलोड लिखता हूँ तो आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। तो पहला ऑप्शन देख सकते हैं डाउनलोड ई पैन कार्ड NSDL, क्लियर। आपने पहला ऑप्शन देखा डाउनलोड ई पैन कार्ड NSDL, तो सिंपल से डाउनलोड ई पैन कार्ड NSDL वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिखाएगा एक्नॉलेजमेंट नंबर या पैन नंबर। तो अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर है तो आप वो भी डाल के आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि हमारे जो पैन कार्ड से कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है। सिंपल से आपको यहाँ पे पैन नंबर डालना, यहाँ पे आधार नंबर डालना, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, देन आपको यहाँ पे टिक करना। टिक करने के बाद ये कैप्चा कोड आप देख रहे हैं, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पे फिट करना, देन सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पैन कार्ड से कौन सी मेल आईडी और कौन सा फोन नंबर लिंक है। आप देखेंगे ये पैन कार्ड है तो आपके लास्ट में जो आपका जो लास्ट में मोबाइल नंबर 7083 वो मोबाइल नंबर इसमें लिंक है, और जो RA मतलब स्टार्टिंग में जो RA है वो जीमेल आईडी आपकी यहाँ पे लिंक है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आप पता कर सकते हैं कि आपके आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है, कौन से ईमेल आईडी लिंक है। आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, लव यू ऑल यूट्यूब फैमिली।